सब लोग कामांत होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँच गया। शिव जी को देख कर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण पांच बाण छोड़े, जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत शोभ हुआ। उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनके सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ।
ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा की समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोले, हे विज्ञानी मुनिवरों आपने उचित ही कहा, आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनेक काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी के सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधावर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंडल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों की ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं।
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसे कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं, गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं, गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगियों ने की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेटंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं।